हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हब पर। आज का टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का कुछ भाग जो है वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जैसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमोसोम के शेप के बारे में, और क्रोमोसोम की जो बेसिक स्ट्रक्चर थी वो पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम क्रोमोसोम का बचा हुआ भाग करेंगे। और अभी तक भी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो इसका कोई आपको फी वगैरह नहीं देनी पड़ेगी। आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी, तो आपकी बहुत मदद होने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो बचा हुआ भाग है वो हम करेंगे। अब यहाँ पे क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर था और क्रोमोसोम का जो शेप था वो हम देख चुके थे। अब देखते हैं कि क्रोमोसोम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्रोमोसोम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है ऑटोसोम और दूसरा है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम। तो जो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम, तो ऑटोसोम क्या करते हैं कि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से संबंधित हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से संबंधित हैं। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब जो होने वाला चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल, इसका निर्धारण जो है वो इसी सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा ही होता है। तो ये सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अब यहाँ पे ह्यूमन में क्या होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में जो 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर वो तो होते हैं ऑटोसोम, और जो 23rd में पेयर होता है, 23rd पेयर वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब ऑटोसोम में ये तो देख लिया कि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों से संबंधित होते हैं, लेकिन ये जो 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में ही समान होते हैं। अब अगर दोनों में समान होते तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर मेल और फीमेल में जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जैसे कि आवाज का भारी होना, मेल में आवाज का भारी हो जाता है और जो फीमेल होती है उनमें आवाज का पतला होना, या फिर जो लड़के होते हैं उनमें दाढ़ी मूछ का आ जाना, तो ये कैसे अलग होता है फिर? तो ये जो है वो जो सेक्स हार्मोन होते हैं, जो मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं, सेक्स हार्मोन, उनका प्रभाव होता है। मेल व फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रभाव होता है, इसीलिए क्या होते हैं कि वो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। अब ये 23rd वाला जो पेयर है, अब इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि 44 ऑटोसोम प्लस ये है सेक्स क्रोमोसोम इज इक्वल टू 46 हो गया ये, और ये कौन सा हो गया, मेल। अब यहाँ पे 44A प्लस XX ये भी 46 है, और ये कौन है, फीमेल है। तो इसमें आप देख सकते हैं 44A 44E मेल और फीमेल दोनों में सेम है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। जो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन है ये क्या है, क्रोमोसोम को अभिरंजन के आधार पर, यहाँ पे देखते हैं कि क्रोमोसोम को अभिरंजन के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये क्या है, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। और जो क्रोमोसोम है इसको किससे स्टेन किया जाता है या किससे अभिरंजित किया जाता है, एसिटो कार्बाइन, इसके द्वारा क्रोमोसोम को अभिरंजन किया जाता है। और अभिरंजन के आधार पर क्रोमोसोम कितने टाइप से हैं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, मतलब दो टाइप के हैं। अब यहाँ पे यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में देख लेते। और जो यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन ये जो नाम है इसकी जो या डिस्कवरी है, ये शब्द किसने दिया था, एमिल हीज नामक साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था। अब देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो ये जो यूक्रोमेटिन है ये हल्का अभिरंजित भाग है क्रोमोसोम का। जब जैसे हमने क्रोमोसोम को स्टेन किया, तो मान के चलो ये हमने स्टेन किया, इसमें जो डार्क वाला भाग आया तो वो कौन सा हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा, और ये जो हल्का वाला भाग आया ये यूक्रोमेटिन हो जाएगा। तो यही इसमें है कि क्रोमोसोम को स्टेन करते टाइम जब क्रोमोसोम का जो हल्का अभिरंजित वाला भाग आएगा तो वो कौन सा होगा, यूक्रोमेटिन होगा, और ये कौन सा होगा, गहरा अभिरंजित जो भाग होगा वो हेट्रोक्रोमेटिन होगा। और ये इसमें क्रोमेटिन कैसे रहेंगे, लूजली पैक्ड, और ये है इसमें क्रोमेटिन डेंसली पैक्ड रहेंगे, मतलब घने। और इसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन कम पाई जाएगी और इसमें हिस्टोन प्रोटीन ज्यादा पाई जाएगी। और इसमें क्या होगा, डीएनए ज्यादा होगा और इसमें डीएनए कम होगा। ये जेनेटिकली एक्टिव होंगे ये, और ये इनएक्टिव होंगे। तो ये था यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में। अब हमें क्रोमोसोम की जो आगे स्ट्रक्चर है, जैसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे, उससे पहले हम कुछ चीज जान लेते हैं, जैसे कैरियोटाइप और एक है
इडियोग्राम, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। तो जो कैरियोटाइप होता है, कैरियोटाइप क्या है, रिप्रेजेंट सेप साइज नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम सेट। एक तरीके से ये मैप जो है वो तैयार करता है क्रोमोसोम का। तो क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेप को, सेप साइज नंबर, जिससे क्या कर सकते हैं हम एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के सेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इडियोग्राम क्या होता है, कैरियोटाइप के डायग्रामेटिक जो प्रेजेंटेशन है उसको इडियोग्राम कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, मैप कह सकते हैं। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसको क्या है, इडियोग्राम कहेंगे। तो ये तो हो गया इनके बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में सबसे पहले न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में देखेंगे। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में यहाँ पे पूरा मॉडल ही देख लेते हैं एक साथ। उससे पहले क्या है कि हम हिस्टोन प्रोटीन देख लेते हैं जो उसमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये बेसिक प्रोटीन होती है। ये कैसी है, बेसिक प्रोटीन है। H1 प्रोटीन जो होती है वो लाइसिन रिच होती है। लाइसिन क्या है, यहाँ पे लाइसिन जो है अमीनो एसिड। और H2A और H2B ये क्या होती है, स्लाइटली एक मिनट स्लाइटली लाइसिन रिच। और ये H3 और जो H4 है वो आर्जिनाइन रिच होती है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन ये एमिनो एसिड के बने होते हैं। तो ये सारे क्या है, प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन किसके बने हैं, एमिनो एसिड के। तो जो आर्जिनिन है और लाइसिन है ये दोनों क्या है, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और नॉन स्टोन प्रोटीन क्या होती है, ये एसिडिक प्रोटीन है। यहाँ पे क्या है, एसिडिक प्रोटीन, क्योंकि जब हम न्यूक्लियोसोम मॉडल पढ़ेंगे तो हमें उसमें क्या है कि इसकी प्रोटीन की जो है वो जरूरत पड़ेगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। न्यूक्लियोसोम मॉडल देखने से पहले हम यहाँ पे इसका डायग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देखें कि जो 8 नंबर है नीचे से स्टार्ट करते हैं, ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम का दिखाया गया कि ये 1400 nm टाइटली कॉइल्ड, टाइट कॉइलिंग ऑफ द 250 nm फाइबर प्रोड्यूसर द क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम को टाइटली पैक किया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो हम इसको पाएंगे कि द 300 nm फाइबर आर कंप्रेस्ड एंड फोल्डेड टू प्रोड्यूस अ 250 nm वाइड फाइबर। तो यहाँ पे ये 250 nm वाइड फाइबर दिखाई गई। इसको अगर हम थोड़ा और हम इसको ओपन करेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हमें न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर दिख रही है। ये क्या है, एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है। और इसमें ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ये H1 प्रोटीन है, क्योंकि H1 प्रोटीन जो होती है वो इसके पूरे बीच में कहीं नहीं पाई जाती है। ये क्या है, किनारों पर पाई जाती है। H1 प्रोटीन जो है वो किनारों पर पाया जाता है। और ये मुख्य न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होता है। जैसे ये इसमें इतना देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोसोम का भाग है, तो ये जो जहाँ पे ये प्रोटीन अटैच है H1 प्रोटीन, ये जो है वो मुख्य न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर में न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप टू प्रोड्यूस अ 30 nm फाइबर। ठीक है, फिर अब इस न्यूक्लियोसोम को और ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए H1 प्रोटीन है, तो न्यूक्लियोसोम कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ये जो है इसमें 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमने अभी आगे बताया H1, H2, A, H2B, H3 और H4। ये 5 तरीके की इसमें प्रोटीन पाई जाती है। 8 मॉलिक्यूल से मतलब है ये ऑक्टामर जो होता है उसमें पाया जाता है। कोर ऑफ न्यूक्लियस इज मेड ऑफ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के जो है उससे ऑक्टामर से ये न्यूक्लियोसोम जो है वो बना हुआ होता है। अब इस हम न्यूक्लियोसोम को अगर थोड़ा और ओपन करेंगे तो पाएंगे कि इसमें यहाँ पे जो 1.65 टाइम्स जो डीएनए है वो रैप रहता है, इसमें रैप्ड डीएनए पाया जाता है। अब यहाँ पे 1.65 लिखा है, कहीं कहीं किसी बुक में 1.75 टर्न्ड डीएनए भी लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर 1.65 है तो ये भी ठीक है। अलग अलग बुक में ये डेटा अलग अलग होता है, लेकिन लगभग इसी के जितना होता है। तो इसके चारों तरफ लिपटा कितना, 1.75 या 65 टर्न्ड डीएनए होता है, जिसमें 200 क्षार युग्म में पाए जाते हैं। अब इतने में कितने पाए जाते हैं, 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और खोलेंगे तो पाएंगे कि हमें ये डीएनए की स्ट्रक्चर दिख रही है। तो डीएनए आप देख सकते हैं कितना टाइटली जो है पैक्ड रहता है। इसको हम ऐसे अंदाज लगा सकते हैं कि जैसे अगर हमने कभी पतंग उड़ाई हो, तो पतंग ऐसे जो पतंग होती है वो उड़ाई हो, तो पतंग का जो चरखी होती है, चरखी में हम कितना सारा धागा, जैसे 5000 मीटर धागा, जितनी ऊंची हमें पतंग जानी होती है तो हम कहते हैं कि इतना धागा इसमें भर दीजिए। तो ये भी ऐसे ही जो है वो पैक रहता है। और जो डीएनए है, डीएनए बहुत लंबा है। डीएनए इतना लंबा है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के 100 राउंड लगा के वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे, डीएनए इतना लंबा है। तो ये हमने डायग्राम से देख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, एट द सिंपलेस्ट लेवल क्रोमेटिन इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे हमें एक डीएनए की स्ट्रक्चर मिल गई। कहाँ से हमने इसको कॉइल करना शुरू, इसको खोलना स्टार्ट किया,
ये यहाँ से हमने क्रोमोसोम से इसको खोलना स्टार्ट किया, हमें क्या क्या मिला, न्यूक्लियोसोम मॉडल मिला, फिर न्यूक्लियोसोम मॉडल में जो लिपटा हुआ हमने हिस्टोन प्रोटीन ये सारी चीजें देखी, और इन द एंड हमें डीएनए की स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल, न्यूक्लियोसोम को जो समझाया था ये मॉडल जो है वो किसने, थॉमस और कॉर्नबर्ग ने दिया था, थॉमस एंड कॉर्नबर्ग ने ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया था, और इसमें बताया था कि न्यूक्लियोसोम का मतलब होता है न्यू बॉडी, यहाँ पे इसका मतलब है न्यू बॉडी या और कोर पार्टिकल, और जो नाम जो है वो किसने दिया था, ओडट ने दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोसोम की ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे कोर ऑफ, ये जो दिखाया जा रहा है कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल है, और ये यहाँ पे एजबन प्रोटीन जो है वो साइड में लगी हुई पाई जाती है, जैसा कि हमने बताया था कि जो मुख्य न्यूक्लियोसोम होता है उसमें उसका कोई रोल नहीं होता, ये किनारों पर पाई जाती है, और ये इसमें क्या है ये जो है वो डीएनए इसमें कॉइल रहता है, ये जिसको मैंने ब्लैक कलर से कर दिया है ये इसका डीएनए है। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या है, इज अ न्यूक्लियोसोम इज अ सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, और ये रंगीन धागे जैसा होता है, क्रोमेटिन पर न्यूक्लियोसोम जो है बीट्स ऑन स्ट्रिंग के समान पाए जाते हैं, और कोर ऑफ न्यूक्लियस इज मेड ऑफ ऑक्टामर, जैसे कि हमने डायग्राम में बताया कि किससे, ऑक्टामर से बना होता है, और ये जो ऑक्टामर होते हैं यहाँ पे जो ऑक्टामर होते हैं किसके होते हैं, ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हमने देखा कि पांच तरीके की इसमें प्रोटीन पाई जाती है, एस वन एस टू ए एस टू बी एस थ्री और एस फोर, और इसमें चारों तरफ कितना 1.7 टर्न्ड डीएनए होता है, जिसमें कितने 200 से ज्यादा या लगभग 200 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो थी न्यूक्लियोसोम मॉडल। अब डीएनए पैक पैक ऐसे ही हमने इसमें डायग्राम में देख लिया कि डीएनए पैक कैसे होता है, और यही न्यूक्लियोसोम मॉडल, उसमें ये जो न्यूक्लियोसोम की एक स्ट्रक्चर थी वो हमने देख लिया। डीएनए इसमें जैसे कि डीएनए पैक इसमें लिख सकते हैं कि डीएनए बहुत लंबा है, इसीलिए कॉइल स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम में पैक पैक इसमें किया जाता है। अब हम यहाँ पे हमने ये डायग्राम देख लिया, हिस्टोन प्रोटीन नॉन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में देखिए। अब देखते हैं कि लिंकर जो लिंकर डीएनए है वो क्या होता है, कई बुक में इसके बारे में जो है वो डिटेल में नहीं दिया गया। तो जो लिंकर डीएनए है ये यहाँ पे देख लें कि ये है न्यूक्लियोसोम, और इसमें ये जो यहाँ पे प्रोटीन लगी है, और इसमें ये जो पॉइंट है एक, और इसी तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसमें डीएनए कॉइल है, और यहाँ पे जो एच वन प्रोटीन लगी है इसका ये साइट है। तो यहां से जो एच वन प्रोटीन की जो इसमें जो जोड़ने का काम करती है, तो ये क्या है, दो न्यूक्लियोसोम को आपस में जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम में डीएनए और हिस्टोन जो है वो एक साथ रह जाते हैं। अब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कैसे एक साथ रह जाते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन होती है इसमें पाई जाने वाली जो प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन वो एक साथ कैसे रह जाती है, जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और जो डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज है। तो हमेशा जो अपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए क्या है न्यूक्लियोसोम में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों एक साथ रह जाते हैं। अब यहाँ पे एक सुपर मॉडल भी है, ये सुपर मॉडल किसको कहते हैं, सोलेनॉइड मॉडल को, सोलेनॉइड मॉडल को सुपर मॉडल कहते हैं, और ये जो सुपर मॉडल है वो क्लग नामक साइंटिस्ट ने दिया था, क्लग जो थे क्लग नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और इसके एक टर्न में कितने 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं, एक टर्न में इसके 6 न्यूक्लियोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें कह सकते हैं डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम टू पॉजिटिव, ये जो है केमिकल कंपोजिशन है किसकी, क्रोमोसोम की। और डीएनए का जो मेजरमेंट है, डीएनए का जो मेजरमेंट है, मेजरमेंट की जो यूनिट है वो कौन सी है, पिकोग्राम, पिकोग्राम जो है वो डीएनए के मेजरमेंट की यूनिट है, और एक पिकोग्राम इज इक्वल टू, एक पिकोग्राम इज इक्वल टू 10^12 ग्राम्स होता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ जाइंट क्रोमोसोम के बारे में। तो जाइंट क्रोमोसोम कौन से हैं, लैम्ब्रोस क्रोमोसोम और पॉलीटिन क्रोमोसोम, ये जो है काफी पाए जाते हैं। तो जो लैम्ब्रोस क्रोमोसोम होता है, कभी आपने देखा हो कि जो बॉटल वगैरह साफ करने का जो ब्रश होता है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो बॉटल साफ करने का जो ब्रश होता है उसी के जैसा सेम होता है लैम्ब्रोस क्रोमोसोम। और इसकी जो खोज है, इसकी खोज फ्लेमिंग ने करी थी, या जो हम लैब में जो ट्यूब्स होती हैं हम उसको साफ करते हैं, और जो नाम है वो रूकर्ट ने नाम दिया था। और ये किसमें पाया जाता है, वर्टिब्रेट की
बल्टीब्रेट की ऊसाइट सेल्स में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस, पीतक निर्माण व प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे जैसे ये डायग्राम में शो हो रहा है इस तरीके से, ये इसमें क्रोमेटिड्स हैं, इसमें क्रोमोमियर्स जो बीड्स जैसी संरचना दिख रहे हैं वो क्रोमोमियर्स है, और ये इसमें लूप जैसी स्ट्रक्चर जो है वो दिख रही है। ये सेम आप ऐसा समझ लीजिए कि जो बॉटल साफ करने का ब्रश होता है सेम उसी की जैसी संरचना होती है। तो क्या है, ये लैम्ब्रोस क्रोमोसोम, और ये जो होते हैं जॉइंट क्रोमोसोम है, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं। अब देखते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम के बारे में। जो पॉलीटिन क्रोमोसोम है वो लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ये कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। और पॉलीटिन को पॉलीटिन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्या है, क्रोमोनिमेटा है। जब हमने स्ट्रक्चर हमने उसकी पढ़ी थी क्रोमोसोम की, तो हमने देखा था कि उसमें क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर, पेलिकल मैट्रिक्स जैसा, तो उसमें क्रोमोनिमेटा जो था उसी के जैसा। तो पॉलीटिन को पॉलीटिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्रोमोनिमेटा पाए जाते हैं। और पॉलीटिन क्रोमोसोम की खोज वो है जो है वो किसने की थी, खोज जो है वो बाल्बियानी ने की थी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, बाल्बियानी रिंग्स भी बोलते हैं, बाल्बियानी रिंग्स बोलते हैं। और इनमें क्या है, इन क्रोमोसोम पर लाइट व डार्क बैंड पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बैंड, ये यहाँ पे बैंड लिखा हुआ है, तो इसमें लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं। जो ब्लैक है वो डार्क है, और जो जिसमें वैसा दिख रहा है तो वो कैसा है, लाइट बैंड है। और कुछ स्थानों पर ये फूल जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उन्हें बाल्बियानी रिंग कहते हैं। तो ये देखिए ये पफ जैसी स्ट्रक्चर हो गई, ये देखिए ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, तो फूल जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, बाल्बियानी रिंग्स बोलते हैं। और इनमें क्या है, एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, इन्हीं में क्या होता है, यहाँ पे एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो ये था पॉलीटिन क्रोमोसोम के बारे में। इसके अलावा एक क्रोमोसोम और होते हैं, बी क्रोमोसोम। तो जो सामान्य क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम होते हैं वो उन्हें बी क्रोमोसोम कहते हैं। नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ए क्रोमोसोम। नॉर्मली क्रोमोसोम को एक क्रोमोसोम बोलते हैं, तो एक क्रोमोसोम के अतिरिक्त जितने भी क्रोमोसोम पाए जाएंगे उनको बी क्रोमोसोम कहते हैं। तो और बी क्रोमोसोम की खोज जो है वो किसने करी थी, बिल्सन ने करी थी। तो ये जो था वो सेल बायोलॉजी, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे सेल बायोलॉजी में, सेल द स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, वो आज टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब जो है वो टॉपिक रहेगा सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जो एक या जो लगभग 2 या 3 वीडियो में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या है, ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर, अब तक जो सेल बायोलॉजी से जितने भी जो क्वेश्चन आंसर आए हैं प्रीवियस ईयर, चाहे वो टीजीटी में हो, पीजीटी में हो, एलटी में हो, या केवीएस में हो, तो हम वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर वीडियोज आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर जिन्हें